आज हम रेखागणित में चल रहे हैं, संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में बताएंगे। संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के संगत कोण के अंतर्गत एक ही ओर भिन्न भिन्न कटान बिंदुओं पर और एक बाह्य क्षेत्र में तो दूसरा अंतर क्षेत्र में। संगत कोण के अंतर्गत तिर्यक रेखा के एक ही ओर चाहे इधर चाहे उधर, एक बाह्य क्षेत्र में तो दूसरा अंतर क्षेत्र में। अब यहाँ पर बाह्य क्षेत्र कौन सा है समझ लें थोड़ा हम अंतर क्षेत्र के बारे में। ये समांतर हमने ले ली है, इनको एक तिर्यक काट रही है तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर इधर हो गया, दूसरी ओर इधर हो गया। बाह्य क्षेत्र कौन था? ये वाला बाह्य क्षेत्र, यानी इसके ऊपर बाह्य क्षेत्र और इधर एक बाह्य क्षेत्र और ये अंतर क्षेत्र हो गया। अब इसमें हम चल रहे हैं कौन कौन से संगत कोण होंगे। पहला पेयर देखें, एक बाह्य क्षेत्र में तो दूसरा अंतर क्षेत्र में भिन्न भिन्न कटान बिंदुओं पर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर। कोण दो, बाह्य क्षेत्र में तो अंतर क्षेत्र में कोण छह। दूसरा पेयर कोण तीन, अंतर क्षेत्र में चार हो नहीं सकता क्योंकि दोनों अंतर क्षेत्र में पड़ जाएंगे, बाह्य क्षेत्र में होना चाहिए। कोण तीन अंतर क्षेत्र में तो तिर्यक रेखा के एक ही हो, चार विपरीत ओर भी पड़ जाएगा इसलिए नहीं लेंगे। तीन अंतर क्षेत्र में है तो तिर्यक रेखा का एक ही ओर दूसरा पड़ेगा भिन्न दूसरे कटान बिंदु पर। सात कोण तीन व कोण सात। तीसरा पेयर दूसरी तरफ देखें, कोण एक तो दूसरा भिन्न कटान बिंदु पर तिर्यक रेखा की एक ही ओर, बाह्य क्षेत्र में तो दूसरा अंतर क्षेत्र में। एक के बाद क्या, एक का क्या होगा? कोण पांच, एक पांच। फिर अगर ये अंतर क्षेत्र में तो दूसरा आठ बाह्य क्षेत्र में है भिन्न भिन्न कटान बिंदुओं पर तिर्यक रेखा की एक ही ओर। कोण चार व कोण आठ। फिर समझे, बाह्य क्षेत्र में दो तो अंतर क्षेत्र में छह, तिर्यक रेखा की एक ही ओर भिन्न भिन्न कटान बिंदुओं पर। तीन अंतर क्षेत्र में, सात बाह्य क्षेत्र में, दूसरी तरफ एक बाह्य क्षेत्र में तो पांच अंतर क्षेत्र में भिन्न भिन्न कटान बिंदुओं पर, चार अंतर क्षेत्र में तो आठ बाह्य क्षेत्र में। इस तरीके से ये चार हमारे पेयर हुए संगत कोण के। अब हम चलेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण में क्या है कि दोनों कोण जो हैं अंतर क्षेत्र में ही होंगे। यहाँ पर अंतर क्षेत्र में कौन कौन से हैं? कौन तीन चार छः और पाँच, लेकिन भिन्न भिन्न कटान बिंदुओं पर। यहाँ पर देखें पहला पेयर क्या होगा, कोण तीन और बात कहिए विपरीत ओर। एकांतर कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर, विपरीत ओर मतलब इधर तो दूसरा दूसरी तरफ भिन्न भिन्न कटान बिंदुओं पर। कोण तीन का क्या होगा? चार हो नहीं सकता क्योंकि एक ही कटान बिंदु हो जाएगा। दूसरे कटान बिंदु पे कौन सा मिलेगा दूसरी तरफ? पांच। कोण तीन व कोण पांच। दूसरा पेयर अंतर क्षेत्र में देखें, कोण छः तो दूसरा दूसरी तरफ कौन सा भिन्न कटान बिंदु? चार, यानी कोण चार व कोण छः। ये समझने वाली बात है। फिर एक बार हम समझें संगत कोण क्या है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर भिन्न भिन्न कटान बिंदुओं पर एक अंतर क्षेत्र में तो दूसरा बाह्य क्षेत्र में, ऐसे कोण संगत कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? वे कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर भिन्न भिन्न कटान बिंदुओं पर और दोनों अंतर क्षेत्र में स्थित हो तो ऐसे कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। फिर यहां पर देखिए, यहाँ संगत कोण कौन कौन से होंगे? दो छः तीन व सात, दूसरी तरफ
एक पाँच, चार और आठ, एकांतर कौन से होंगे, तीन पाँच चार और छः। धन्यवाद।